वहीं संभल पर जारी सियासत के बीच अब अजमेर दरगाह भी विवादों के घेरे में आ गया है। बीजेपी अजमेर दरगाह में मंदिर ढूंढने वालों का पक्ष ले रही है, जबकि विपक्ष इसे नफरती राजनीति का विस्तार बता रहा है। नारेबाजी, शोरगुल और हंगामा, विपक्ष ने पूरा जोर लगाया लेकिन संसद में संभल पर चर्चा नहीं हो सकी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष की आवाज एक बार फिर अनसुनी रह गई। विपक्ष को आसन से आश्वासन के सिवा कुछ और नहीं मिल सका। हम चाहते हैं कि लोकसभा में संभल पे चर्चा हो और जिसको हमें आश्वासन मिला है स्पीकर सर द्वारा कि वो चर्चा करवाएंगे। ये तो हमारा भी मानना है, जो स्पीकर और चेयरमैन महोदय ने जो डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड प्रोसीजर, वो चर्चा के लिए सरकार तैयार है। ये तो डिस्टर्ब करने में क्या है, ये तो पहले ही आके बिना कुछ मांग रखते हुए डिस्टर्ब ही करते हैं, हम क्या करें इसमें, देश को कैसे सुरक्षित रखें। इसलिए इस पे सदन में चर्चा होनी चाहिए। और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है बीजेपी, पूरे हिन्दुस्तान में इनसे न रोजगार दिया जा रहा है, न महंगाई कम की जा रही है, न किसानों के फसल का दाम ये दे सकते हैं, ये सिर्फ झगड़ा करा सकते हैं।